वन में कई स्थानों पर खजाना गड़ा है, परंतु मुख्य प्रवेश यहीं से है। सबसे बड़ा खजाना भी यहीं स्थित है। हम यहीं रुककर पहरा देते हैं। कुछ समझ में नहीं आता कि ऐसा कैसे हो गया, परंतु हमारे पहरे के होते हुए ये खजाना खाली कैसे हो गया? जमीन पर ये निशान, ये तो नागों के रेंगने के निशान हैं। ये सुरंग भी पहले यहाँ नहीं थी। ये सब मेरा है। मेरा मतलब हमारा है कद्रु देवी। खजाना तुम्हारा नहीं, कुबेर महाराज का है, जो तुम्हें इसी क्षण लौटाना होगा। राक्षस भाग गया और अपने साथ सबसे बहुमूल्य रत्न भी उठा ले गया है। चलिए बलदाऊ, वो अभी ज्यादा दूर नहीं पहुंचा होगा। खजाना तो बाद में लूट लूंगा, पहले तुम दोनों से निपटता हूं। मुझे खेद है कि मैं उस राक्षस की बातों में आकर उसकी सहायता करने के लिए तैयार हो गई। मेरे ये हजार नाग पुत्र जिस प्रकार उस राक्षस की सहायता करने के लिए खजाना उठा लाए थे, उसे वापस उसी जगह पहुंचा भी देंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कद्रु देवी। धन्यवाद तो श्री कृष्ण और बलराम का करना चाहिए, जिन्होंने समय पर आकर न केवल कुबेर महाराज के खजाने को बचा लिया, परंतु मुझे भी पश्चाताप कर अपनी गलती सुधारने का मौका दिया। और इस तरह समाप्त हुआ कृष्ण और बलराम का एक और पराक्रम। भूख से हाल बेहाल है, ये फल ही खा लेते हैं। फल फूल पत्ती तो खरगोश खाते हैं, हम जैसे राक्षस नहीं। अच्छा ठीक है, तुम मत खाओ, मुझसे तो नहीं रहा जा रहा। खरगोश पकड़ो पकड़ो, भागने ना पाए। सपना देख रहे हैं? मुझे तो लगता है कि भूख के मारे शायद हमारे दिमाग ने काम करना कम कर दिया है, इसीलिए अद्भुत दृश्य दिखाई देने लगे हैं। या कहीं ऐसा तो नहीं कि भूख से हम दोनों मर ही गए हैं और सीधा स्वर्गलोक पहुंच गए हैं? अरे वो सब बाद में विचार कर लेंगे, पहले कुछ भोजन तो कर ले।
बलदाव, आप ये घंटी की आवाज सुन रहे हैं? लगता है कुछ गैया उस ओर वन में भाग गई है। आज तो पेट भरकर भोजन मिलेगा। ए, हमारी गैया कहाँ भगा लिए जा रहे हो? अब ये तुम्हारी संपत्ति नहीं, हमारी संपत्ति है। काहे से पहले तो हम इन दोनों को खाएंगे। मौका अच्छा है, चल उठा ले। मनुष्यों से हार कर तुमने अपनी नाक तो कटवाई ही, साथ ही साथ हमारे भी मुंह पर कालिक पोत दी। मूर्खों, वो कहावत थी, पर यदि तुम अभी इसी वक्त वापस वृंदावन नहीं गए और भोजन के लिए गाय बैल उठाकर नहीं लाए तो मैं स्वयं ही तुम दोनों की नाक काट दूंगा। परंतु पिताजी, यदि हम वापस वहाँ गए और उन दो खतरनाक ग्वालों ने हमें फिर वहाँ देख लिया तो नहीं देख पाएंगे। अब जाओ और भोजन का प्रबंध करो। राधे, मैं तो यही हूँ। ये असुर ऐसे नहीं मानेंगे।